हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्टिंग घोटाला मामले में सरकार ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने कोरोना की जांच करने वाली लैब के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। कुंभ के दौरान लैब ने हरिद्वार में 5 जगहों पर कैंप लगाए थे। आपको बता दें कि महाकुंभ तो 27 अप्रैल को खत्म हो गया, लेकिन असल खेल अब सामने आया है। सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य की थी, उसमें बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कोरोना टेस्ट का जिम्मा कई प्राइवेट लैब को दिया गया था, जिसमें करीब 1 लाख से ज्यादा कोरोना जांच में गोलमाल हुई है। दिल्ली और हिसार की 2 लैबों की प्रारंभिक जांच में कलई खुल गई है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा मामला भी समझाते हैं। दरअसल कुंभ के लिए सरकार ने आरटीपीसीआर रिपोर्ट को अनिवार्य किया था। कैसे हुआ खुलासा, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। कोविड टेस्टिंग के लिए प्राइवेट लैब को जिम्मेदारी दी गई थी। कोरोना की जांच में 2 लैब पर धांधली के आरोप भी लगे थे। राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, जिस तरह से ये मामला सामने आया था सरकार की तरफ से, जो कुंभ के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया था, पूरा घोटाला हुआ मामले में, अभी क्या अपडेट है? देखिए, सरकार की तरफ से एफआईआर दर्ज करने के लिए कह दिया गया है। जो भी ये कोविड टेस्ट ये सारी एजेंसी जो कर रही थी, उन सभी के खिलाफ जो है कोविड टेस्ट जो एफआईआर दर्ज करने के लिए कह दिया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने जो लोग हैं, सरकार ये भी करने जा रही है कि जिन लोगों का टेस्टिंग यहाँ पे हुई है, जिनके नंबर वहां पे चिन्हित हैं, जिनके नंबर वहां पे दर्ज किए गए हैं, दिए गए हैं, तो उनके नंबर पे कॉल करके भी यहाँ पर जानकारी ली जाएगी कि आखिर में क्या वही आदमी थे। क्योंकि ये मामला पूरा एक कहा जाए तो जो फरीदकोट के एक शख्स थे जो कुंभ में गए नहीं थे, और उनके यहाँ से उनकी तरफ से जब यह जानकारी दी गई, उनके पास जब एक रिपोर्ट गई थी कि उनका निगेटिव रिपोर्ट है, तो उसके बाद से ये मामला पूरा सामने आया था। और उसी क्योंकि नंबर ऐसे यहाँ पूरा का पूरा ही देखा जाए तो नंबर गलत नंबर वहां पे फीड करके और झूठी आरटीपीसीआर रिपोर्ट वहां पर दिखाई गई है, या गलत मकान के नंबर दर्ज किए गए हैं, जो लोग में नहीं गए उन लोगों का भी सीधे तौर पर नंबर को वहां पे चिन्ह इंगित करके, और उसके बाद उनको आरटीपीसीआर रिपोर्ट उनके पास में पहुंच रही है। इन सभी चीजों को लेकर कई सरकार यहाँ पर सख्त है। और इसके पीछे कारण भी है कि जो विपक्ष है, सीधे तौर पे विपक्ष काफी ज्यादा हमलावर है। विपक्ष यहाँ पर सरकार से जवाब तलब कर रहा है, सरकार से उच्च स्तरीय जांच की यहाँ पर मांग कर रहा है। तो इसलिए इन सभी चीजों को ही देखते हुए सरकार ने यहाँ पर सीधे तौर पे एफआईआर दर्ज करने की बात यहाँ पर की है। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद इन सभी जो एजेंसीज हैं, जो जिन्होंने जांच यहाँ पर की है, उनके खिलाफ यहाँ पर जांच होगी। और जितने जो उनका डॉक्यूमेंट्स या जो भी आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया है, उन सभी चीजों को वेरीफाई यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है राहुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।